हेलो फ्रेंड, मैं इमरान अहमद अंसारी। आज की ये वीडियो हमारे लिए बहुत ही खास होने वाली है। इस वीडियो में आज हम बहुत ही ब्यूटीफुल बाजू डिजाइन बनाने वाले हैं। तो किस तरह से ये बनेगा, आज हम ये सीखेंगे किस तरह से इसको बनाया जाता है। इस डिजाइन को आप बहुत आसानी से सूट, कुर्ती, फ्रॉक, ब्लाउज जिसमें भी चाहें आप बना सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल डिजाइन है। तो इस डिजाइन को स्टेप बाई स्टेप एक चीज बहुत ही बारीकी से सीखेंगे और समझेंगे किस तरह से बनेगा। उससे पहले बता दें, आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और ये बेल आइकन भी दबा लें, जिससे क्या होगा इस तरह की नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, ये हमारा बाजू है जो पहले से कटा हुआ है, और ये कपड़ा जो ऊपर वाला आप देख रहे हैं ये हमारे कुर्ती का कपड़ा है, जो इस तरह से डिजाइन कटा हुआ है। आप देख सकते हैं इस तरह से डिजाइन कटा हुआ है। ये चार पल्ला है, तो इस तरह से हमको निशान लगाना है इसमें। इस तरह से हम निशान लगा लेंगे और यहाँ कट लगाएंगे तो हमारा निशान लग जाएगा। फिर उसके बाद हम इस तरह से रखेंगे इसको, इसके ऊपर एक और रखेंगे इस तरह से उल्टा। नीचे वाला हमारा सीधा होना चाहिए और ऊपर वाला हम उल्टा रखेंगे। बीच में हमको लुप्पी लगाना है, तो इस तरह से हम पहले से लुप्पी बना लिए हैं, इसके अंदर अटैच करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से रखना है, और जो हमने निशान लगाया है निशान के ऊपर इसको रखेंगे और सिलाई लगा के अटैच करेंगे। फिर दूसरा वाला लेंगे, दूसरे वाले निशान पर रखेंगे इस तरह से, इसको भी अटैच करेंगे। और ये तीसरा वाला हमारा इस तरह से, इसको भी हम अटैच कर लेंगे। तो हमको तीन लुप्पी लगाना है, इस तरह से हम तीनों को अटैच कर लेंगे और सिलाई लगा लेंगे। सेम इसी तरह से हम दूसरे वाले में भी सिलाई लगाएंगे और लुप्पी को अटैच करेंगे। तो इस तरह से हमको लुप्पी भी अटैच करना है बीच में। तो तीन हमने निशान लगाया है, तीनों में हमको लुप्पी को अटैच करना है। इस तरह से हम अंदर की तरफ लुप्पी को रखेंगे और सिलाई लगा के अटैच करेंगे। इस तरह से हमको सिलाई लगा लेना है। फ्रेंड, ये हमारा सिलाई कंप्लीट हो चुका है। इसको हम काट लेंगे और कट लगाएंगे। कट लगाने के टाइम हमको ध्यान देना है, सिलाई नहीं करना चाहिए, सिलाई को बचा के ही हम कट लगाएंगे। इस तरह से दोनों में हमको कट लगा लेना है। तो इस तरह से हम कट लगाएंगे, उसके बाद हमको इस तरह से पलट देना है। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं इस तरह से हम पलट देंगे और हमारा लुक भी आप देख सकते हैं इस तरह से दोनों में तीन तीन लग चुका है। और इसको हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से बराबर करके, सीधे तरफ हमको इस तरह से सिलाई लगाना है बराबर करके। तो इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। सेम इसी तरह से हम दूसरे वाले में भी सिलाई लगाएंगे। इस तरह से घुमाते हुए हमको सिलाई लगाना है। फ्रेंड, बराबर करते हुए हम घुमाते हुए सिलाई लगा लेंगे और ये हमारा सिलाई कंप्लीट हो चुका है। इसको हम काट लेंगे। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। इसको हम साइड में रखेंगे और ये हमारा बाजू है जिसमें हम डिज़ाइन अटैच करेंगे। तो ये बाजू हमारा सलवार के कपड़े में कटा हुआ है, इसमें हम 2.5 इंच की इस तरह से पट्टी लगाएंगे सीधी। तो इस तरह से हम सीधा रखेंगे और इसमें अटैच कर लेंगे। तो फ्रेंड, ये हमारा अटैच हो चुका है। इसको हम काट लेंगे और सीधा करेंगे। इस तरह से नाखून से हम बराबर कर लेंगे और यहाँ पे हमको 1/2 इंच इस तरह से फोल्ड कर लेना है। इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर रखेंगे और ऊपर हमको एक सिलाई लगाना है। तो इस तरह से हम बराबर करते हुए सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमको बराबर करते हुए सिलाई लगा लेना है फ्रेंड, और ये हमारा सिलाई कंप्लीट हो चुका है। इसको हम काट लेंगे। इस तरह से हमको काट लेना है और ये हमारा जो डिज़ाइन है इसको हम इसके ऊपर अटैच करेंगे। इस तरह से आप देख लेंगे, बराबर करते हुए हमको इसको रखना है इसके ऊपर और सिलाई लगा के इसको हम अटैच करेंगे। तो इस तरह से रख लेंगे और यहाँ से हमको सिलाई लगाना है। तो इस तरह से हम घुमाते हुए सिलाई लगाएंगे और इसको अटैच कर लेंगे। सेम इसी तरह से हम दूसरा वाला भी अटैच करेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से बराबर रखेंगे और दूसरे तरफ भी सेम इसी तरह से अटैच कर लेंगे सिलाई लगा के। तो ये हमारा अटैच हो चुका है। इसको हम काट लेंगे इस तरह से। आप देख सकते हैं इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन बनेगा। उसके बाद हमको इसके अंदर डोरी लगाना है। तो ये हमारा डोरी है जो हम पहले से बना लिए हैं। तो डोरी को हम इस तरह से लगाएंगे इसके अंदर। आप देख सकते हैं इस तरह से हमको डोरी को लगा लेना है। आप देख सकते हैं इस तरह से हम
डोरी अटैच कर लेंगे इसके अंदर। तो ये हमारा इस तरह से डोरी लग जाएगा और इसमें हमको लटकन लगाना है। तो इस तरह से हम एक कपड़ा लेंगे, इसको हम फोल्ड करेंगे और लटकन बनाएंगे इस कपड़े से। तो यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से। सेम इसी तरह से हम दूसरा वाला भी सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमको दूसरे वाले में भी सिलाई लगा के अटैच कर लेना है लटकन को। और ये हमारा इस तरह से सिलाई लग चुका है, इसको हम काट लेंगे। तो हमको काट लेना है, उसके बाद हम इसको सीधा कर लेंगे। इस तरह से हमको सीधा कर लेना है। ये हमारा सीधा हो चुका है फ्रेंड, आपको दिखा रहे हैं इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन बन के तैयार हुआ है। इस डिज़ाइन को आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, सूट कुर्ती फ्रॉक ब्लाउज जिसमें भी चाहें आप बना सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल है। फ्रेंड आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा है। फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।